मेरे प्यारे देशवासियों, देश की एकता और आपसी सद्भावना को सशक्त करने के लिए हमारा समाज हमेशा से बहुत सक्रिय और सतर्क रहा है। हम अपने आसपास ही देखें तो ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे जो आपसी सद्भाव को बढ़ाने के लिए निरंतर काम करते रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि समाज के प्रयास, उसका योगदान स्मृति पटल से बहुत जल्द ओझल हो जाता है। साथियों, मुझे याद है कि सितंबर 2010 में जब राम जन्मभूमि पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जरा उन दिनों को याद कीजिए, कैसा माहौल था। भांति भांति के कितने लोग मैदान में आ गए थे, कैसे कैसे इंटरेस्ट ग्रुप्स उस परिस्थितियों का अपने अपने तरीके से फायदा उठाने के लिए खेल खेल रहे थे। माहौल में गर्माहट पैदा करने के लिए किस किस प्रकार की भाषा बोली जाती थी, भिन्न भिन्न स्वरों में तीखापन भरने का भी प्रयास होता था। कुछ बयानबाजों ने और कुछ बड़बोलों ने सिर्फ और सिर्फ खुद को चमकाने के इरादे से न जाने क्या क्या बोल दिया था, कैसी कैसी गैर जिम्मेवार बातें की थी, हमें सब याद है। लेकिन ये सब 5 दिन 7 दिन 10 दिन चलता रहा। लेकिन जैसा ही फैसला आया, एक आनंददायक आश्चर्यजनक बदलाव देश ने महसूस किया। एक तरफ 2 हफ्ते तक गर्माहट के लिए सब कुछ हुआ था, लेकिन जब राम जन्मभूमि पर फैसला आया, तब सरकार ने, राजनीतिक दलों ने, सामाजिक संगठनों ने, सिविल सोसाइटी ने, सभी संप्रदायों के प्रतिनिधियों ने, साधु संतों ने बहुत ही संतुलित और संयमित बयान दिए, माहौल से तनाव कम करने का प्रयास। लेकिन आज मुझे वो दिन बराबर याद है। जब भी उस दिन को याद करता हूं, मन को खुशी होती है। न्यायपालिका की गरिमा को बहुत ही गौरवपूर्ण रूप से सम्मान दिया और कहीं पर भी गर्माहट का, तनाव का माहौल नहीं बनने दिया। ये बातें हमेशा याद रखनी चाहिए, ये हमें बहुत ताकत देती है। वो दिन, वो पल हम सब के लिए एक कर्तव्य बोध है। एकता का स्वर देश को कितनी बड़ी ताकत देता है, उसका ये उदाहरण है।